Anybody who is here is the man of God, and those who are men of God, God takes care of them, and normally nothing good should happen to them. And if something happens, no problem, the gods need him for a promotion from another assignment. So he should think like that. Gods need him for some other assignment. So therefore, I congratulate you all those who are here. Positive psychology. Main 1967 se aaj 43 saal ho gaye hain positive psychology. Psychology, positive psychotherapy, human behavior, human values, egos, complexes, mind, spiritual stuff. जब मैंने पढ़ाई करी तो मेरे क्लास में 49 देश के स्टूडेंट थे, जापान, अर्जेंटीना, ब्राजील, चाइना, ऑल ओवर द वर्ल्ड. आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज लुकिंग देम, आई वॉज लर्निंग फ्रॉम देम. देन ऑल माई 28 ईयर्स ऑफ जर्मनी आई बीन स्टडिंग दिस, हाउ टू चेंज अ मैन, how to change the culture, how to change the country. And now my one dear Prasanna Thavat arranges a seminar on positive psychology. This is the reason. Main ek bar Cambridge gaya, wahan apne bete Atul ji ka admission karana tha, to wo lady badi ugly, unfriendly, brutal, kehti hai wo to date kal thi, kuch nahi ho sakta. Maine bahut request kari ki main Germany aaya hu, मैडम माफ कर दीजिए एक दिन का डिले, लो आप चले जाइए, मुझे बैठने को भी नहीं कहा. तो मैंने सोचा व्यक्ति को थोड़ा बदलना चाहिए, तो वो अंदर चली मुझे खड़ा छोड़ के. मैं अपने कार्ड पर, उसका नाम था कैथरीना, तो मैं हर वर्ड के आगे एक, हर लफ्ज के आगे एक वर्ड लिखाया, कैथरीना से फॉर केयरिंग, ए फॉर एरिस्टोक्रेटिक. तो जब वो लौट के आई तो उसने कार्ड देखा, तो मैं तो आधा फरलांग चला जाऊंगा. देखा वो भागी भागी आ रही है, भागी भागी आ रही है. सर वेरी सॉरी, आप वापस आ जाइए. पूछती है सर आप चाय लेंगे कॉफी लेंगे? मैंने कहा कमाल है, क्या किस लिए आए थे? मैंने कहा वो अतुल जी का एक दिन डिले हो गया है, तो उसका अगर आप माफ कर दें तो. कहेंगे नहीं, ठीक है डन, वेरी गुड, पर मैं आपको अपने डायरेक्टर से मिलवाना चाहूंगी. इस वक्त लंच आवर है, मैं आपको वहीं ले जाऊंगी जहां सारी फैकल्टी खाना खा रही है. और कहने लगे अतुल जी थोड़ा बाहर रहेंगे, क्योंकि वहां से बड़े बड़े फैकल्टी वाले, उनको दूसरे कमरे में खाने खिलाया. तो जब मैं खाना खा रहा था तो एक बड़ा सीनियर प्रोफेसर था, हमारे पास भी सीनियर प्रोफेसर है, किसी का नाम नहीं लूंगा. तो जब सूप आया तो उसने इतनी जोर से मेज पे मुक्का मारा कि सबके सूप छलक के बाहर, पर वो कुछ नहीं बोला कोई भी, क्योंकि वो जीनियस नोबेल प्राइज विनर था. और मैं भी बैठा रहा, मैंने उसे देखा भी नहीं. तो मैं ये कहना चाहता हूं, अपने स्टूडेंट से कहता हूं, कोई फिजिक्स का नोबेल प्राइज हो, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज हो, दुनिया का सबसे काबिल हो, जब उसका दिमाग जीनियसनेस से ऊपर थोड़ा पागल हो जाएगा तो हम ठीक करेंगे, हम लोग ठीक करेंगे. जब मैं हम लोग कहता हूं तो मैं स्वामी जितात्मानंद जी के आदर्शों पर, मैंने इनके पर बहुत स्टडी करा है, रामकृष्ण मिशन पर, स्वामी विवेकानंद पर बहुत स्टडी करा है, इनके आदर्शों को फैलाने के लिए हम यहां हैं. आपको मैं बताऊं एक बहुत सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल बात, मेरे एमिटी ग्रुप में कम से कम 12 लोग हैं जो पूरे पागल, जिनको दुनिया पूरा पागल कहती है. सीताराम जी ठीक है ना, 6 लोग हैं जो आधे पागल हैं, और काफी लोग हैं 50-60 जो चौथाई पागल है. पर वो मेरे यहां इतना काम कर रहे हैं, इतना प्यार मिलता है, देते हैं, सबके साथ है, वो एमिटी में ही रह सकते हैं, एमिटी में रह सकते, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि कैसे पोटेंशियल यूज करा जाए. तो पागल उसको क्या कहते हैं? ईगो, कॉम्प्लेक्स, जेलसी, कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसमें उनमें ना हो. पर अब वो काफी ठीक हो जा रहे हैं लोग, काफी मेरे जो लोग यहां बैठे सबको पता है वो कौन से नाम है. अमिता जी बैठी है, एक बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर था, तो एक बच्चे को भर्ती कर गया इनके यहां, और उसमें कोई बुराई ऐसी नहीं जो 10वीं क्लास में लाए जो उसमें ना हो. सिगरेट पीना, शराब पीना, चोरी करना, लड़कियों को छेड़ना, आप गिन लीजिए जो एक बच्चे बुराई होती सारी बुराई उसमें थी. तो अमिता जी ने उसको पाल पोस के बड़ा कर दिया और अच्छी डिग्री पास करके निकल गया. और कहता है जब मेरे आए एमिटी में तो कहता है क्योंकि मैडम से मिला दिया करो, वही मुझे ठीक करना जानती है. तो दिस इज दी वे यू कैन चेंज दी वर्ल्ड. तो मैं स्वामी चित्तानंद जी कहना चाह रहा हूं कि आपके दर्शन मिले, ये जो लोग यहां पे उपस्थित हैं, एक एक में क्षमता है विश्व को बदलने की, विश्व को बदल के एक अच्छा विश्व बनाने की. मैं आपको बताऊं, भारत रहने लायक नहीं है, विश्व रहने लायक नहीं है. जो हालात हैं उसको हम ऐसे छोड़कर ऊपर नहीं जा सकते.
भगवान ऊपर पूछेगा हमसे और आपसे एक एक से कि तुम्हारे पास इतनी सामर्थ्य, मैंने तुम्हें इतनी अकल दी, इतनी अच्छा शरीर दिया, तुम दुनिया को क्यों बदल के नहीं आए। आपका जवाब सिर्फ एक होगा, हे भगवान, मैंने स्वामी चित्तानंद जी को सुना, एमिटी के विचार सुने, पॉजिटिव साइकोलॉजी सुनी, और मैं दुनिया को बदलने में अपना पूरा योगदान देकर आई हूं या आया हूं। तो भगवान कहेगा बैठिए, आप चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, जूस लेंगे, कोला लेंगे। बता रहा हूं मैं आपको, वो इंटरव्यू सबसे मुश्किल इंटरव्यू होता है। आपने बड़ा इंटरव्यू दिया शादी के लिए, नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए, वो इंटरव्यू हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। और स्वामी चित्तानंद के अगर आदेशों में चलोगे, उस इंटरव्यू में कोई फेल नहीं हो सकता, और भगवान की कृपा तब से हमारे पास है। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, स्वामी जी को सुनना चाहता हूं, पर मैं कहना चाह रहा हूं कि ऑल दोज हु आर हियर, दे आर वेरी वेरी ब्लेस्ड फ्रॉम द गॉड, एंड एज माय ऑनरेबल वाइस चांसलर टॉल्ड, इफ गॉड इज विद यू, nobody can ever do anything adverse to you, things will happen and go, but God is with you, and all those who are sitting over here, God is with them, I guarantee them. Thank you very much.